हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी सबकी अच्छी चलनी होंगी। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा, इसमें हम करने वाले हैं IIRF रैंकिंग। IIRF रैंकिंग को हम कंप्लीट डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली ही ये रैंकिंग है जो जारी की गई है, और इस रैंकिंग में दोस्तों जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। ये टॉप यूनिवर्सिटी है, और आज हम डिस्कस करेंगे कि IIRF रैंकिंग है वो कौन जारी करता है, कौन कौन से टॉप यूनिवर्सिटीज हैं भारत के अकॉर्डिंग टू द IIRF रैंकिंग। साथ में दोस्तों, इसके अलावा आपकी अदर रैंकिंग्स भी आती हैं, जैसे कि हम बात करें NIRF रैंकिंग, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपकी QS वर्ल्ड रैंकिंग, जहाँ से आपके सवाल आते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, एक और रैंकिंग है आपकी जो इम्पोर्टेंट है, वो है टाइम्स हायर की रैंकिंग, जहां से आपके सवाल बनते हैं। इसके अलावा एक रैंकिंग और होती है, जहां से भी कभी कभार सवाल आपके पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, संघाई रैंकिंग। तो ये कुछ आपकी इम्पोर्टेंट रैंकिंग्स हैं, जैसे NIRF रैंकिंग हो गया, QS वर्ल्ड रैंकिंग हो गया, टाइम्स हायर की रैंकिंग होगी, और आपकी संघाई रैंकिंग होगी, और जो रिसेंटली जारी हुई है IIRF रैंकिंग। तो इन सारी रैंकिंग्स को हम क्विक वे में एक बार देखने वाले हैं। IIRF रैंकिंग को हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे, और बाकी रैंकिंग्स को थोड़ा सा जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनका एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो आप सब लोग इस सेशन को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट है जो इस सेशन का हो सके। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो आप सभी की क्वेरी भी थी कि सर यहाँ आपके कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो देखो, अभी हमारा फतेह बैच है दोस्तों, ये चल रहा है आपका। बेसिकली ये 50 डेज का आपका क्रैश कोर्स है, यानी कि आपका एग्जाम जो होने वाला है वो 21 अगस्त तक, अगस्त को स्टार्ट होंगे। तो उस एग्जाम को टारगेट करते हुए हमने इस कोर्स को, इस बैच को आपका लॉन्च किया है, जो कि जून एग्जाम को री एग्जाम के लिए है। तो ये जो कोर्स है दोस्तों, क्रैश कोर्स है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स आपको ऑनलाइन भी मिलेगा, और अभी हमने इसको ऑफलाइन भी लॉन्च कर दिया है, 50 डेज का क्रैश कोर्स। तो जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन ले सकते हैं, इसकी प्राइस आपकी 999। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो इसकी प्राइस होगी आपकी 2999, यानी कि 3000 रुपये। और जो ऑनलाइन कोर्स लेगा उसके लिए 1000 रुपये कम हो जाएंगे, अगर आप ऑफलाइन भी आके पढ़ते हैं तो। साथ में दोस्तों, टेस्ट सीरीज है, इसके साथ में आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, तो टेस्ट सीरीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में हिस्ट्री के लिए भी हमने बैच लॉन्च किया है, क्रैश कोर्स संकल्प बैच, जो कि आज से आपका स्टार्ट होने वाला है। आज आपकी पहली क्लास होगी हिस्ट्री के क्रैश कोर्स की, जिसमें टॉप 100 टॉपिक्स हैं जो आपको करवाए जाएंगे, और इसकी प्राइस है 1999, यानी कि 2000 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स है जो यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा सूरज सर का गुरुकुल बैच चल रहा है, पेपर 2 का, दिसंबर के लिए, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, आप सभी के लिए एक दिन के लिए डिस्काउंट और बढ़ा दिया गया है सूरज सर के बर्थडे के ऑफर पर। तो जितने भी हमारे कोर्सेज होंगे उन पर 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। आपको लगाना है सूरज 2024 कोड लगाएंगे तो अपनी यूनिवर्सिटी के जितने भी कोर्सेज हैं उन सब पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। चलो जी, तो अब स्टार्ट करते हैं आज की मेन क्लास और मेन आपका मुद्दा। तो आज हम डिस्कस कर रहे थे IIRF। तो रिसेंटली आपकी IIRF रैंकिंग है, ये जारी हुई है 2024 के लिए। अब सबसे पहले तो देखो, हमें ये पता होना चाहिए कि IIRF की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि कई बार जैसे NIRF की फुल फॉर्म पूछी गई है, वैसे ही आपको IIRF की फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF की फुल फॉर्म से। तो दोस्तों, ये जो IIRF है ये क्या है, ये दोस्तों एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये क्या है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये रैंकिंग है जो जारी करता है। तो पहली चीज तो आपको पता हो कि भाई IIRF क्या है, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF है इसकी फुल फॉर्म है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है एवरीवन। तो इस रैंकिंग में मोर देन 1000 इंस्टीट्यूशंस को ये रैंकिंग है जो प्रदान करता है। अब हम देखते हैं कि ये जो इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, इसके पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स पर ये रैंकिंग है जो जारी करता है, कौन कौन से मानक हैं
कौन कौन से मानकों के आधार पर ये रैंकिंग जारी करता है, क्योंकि NIRF रैंकिंग में जब सवाल आया था तो आपको पैरामीटर्स पूछे गए थे, तो इसमें भी हो सकता है कि आपको एक पैरामीटर से सवाल बन जाए। तो इसके बेसिकली 6 पैरामीटर्स हैं। कितने पैरामीटर्स हैं? 6 पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर ये रैंकिंग्स हैं जो आपकी निकलती हैं। कौन सा है? प्लेसमेंट परफॉर्मेंस, टीचिंग लर्निंग रिसोर्स एंड पेडागोगी रिसर्च, इंडस्ट्री इनकम एंड इंटीग्रेशन, प्लेसमेंट स्ट्रेटजी एंड सपोर्ट, फ्यूचर ओरिएंटेशन, एक्सटर्नल परसेप्शन एंड इंटरनेशनल आउटलुक। तो ये 6 मानक हैं जिनके आधार पर ये रैंकिंग है जो आपकी जारी की जाती है, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 कौन जारी करता है? एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको जारी करता है। कौन? भारतीय संस्थान रैंकिंग जो ढांचा, IIRF, ठीक है, IIRF ये इसको जारी करता है, ठीक है। यहां पर अब हम बात करें कि टॉप 10 संस्थान कौन से हैं अकॉर्डिंग टू दिस रैंकिंग। भाई ये जो रैंकिंग आई है IIRF की, इसके अकॉर्डिंग हमारे भारत के टॉप 10 इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, क्योंकि सीधा सवाल आएगा अकॉर्डिंग टू द IIRF रैंकिंग 2024, है ना, कि भाई JNU की रैंकिंग कौन सी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कौन सी है, ऐसा सवाल पूछा जाएगा। तो अब हम देखते हैं टॉप 10 संस्थान। तो यहां पर आप देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है दोस्तों, ये आपका टॉप इंस्टीट्यूट है। उसके बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय DU, फिर आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, फिर आपका जामिया मिलिया इस्लामिया GMI, फिर आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, फिर पौंडीचेरी विश्वविद्यालय, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय और राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी CU राज। तो ये भारत के टॉप 10 संस्थान है अकॉर्डिंग टू द IIRF रैंकिंग 2024। तो इतनी चीज आप सबको बहुत ही क्रिस्टल एंड क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल से इन सारी चीजों को पढ़ना है तो मैं आपको एक वेबसाइट जो है आपकी IIRF की, उसके और भी लेके चलता हूँ। तो ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट पर जाकर आप पूरा का पूरा जो यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग है उसको आप देख सकते हैं। तो अभी मैंने जो आपको बताया वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बताई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं JNU फर्स्ट पे है, DU, BHU, JMI, AMU, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ये टॉप 10 यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर जाकर आप पूरा का पूरा इसको चेक भी कर सकते हैं IIRF की वेबसाइट से। अब ये तो होगी दोस्तों IIRF की बात। इसके अलावा और कौन सी रैंकिंग्स हैं जो आपसे पूछी जा सकती है? तो मैंने आपको बताया था कि एक NIRF रैंकिंग है जो 2023 वाली, ये एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका सवाल है जो बन सकता है। जैसे एक बार क्या पूछा था कि NIRF की फुल फॉर्म बताओ, तो मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि NIRF की फुल फॉर्म क्या है, एक सवाल, ठीक है। दूसरा सवाल क्या पूछा इसमें कि भाई कितने पैरामीटर्स पर ये रैंकिंग निकलती है, क्या पूछा कि कितने पैरामीटर्स पर ये आपकी रैंकिंग है जो निकलती है, ठीक है जी। उसके अलावा क्या पूछ सकता है कि आपकी कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज है, है ना, तो जैसे यूनिवर्सिटीज कौन सी है टॉप, है ना, आपकी कॉलेजेस कौन सी है टॉप, है ना, आपकी जैसे रिसर्च में कौन सी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस टॉप में है, तो ये सारे के सारे सवाल है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन आपको करवा देता हूं। तो इंडिया रैंकिंग की जब हम बात करते हैं, क्योंकि NIRF रैंकिंग का दूसरा नाम क्या है, आपका इंडिया रैंकिंग भी है। जो हमारी NIRF रैंकिंग है इसका नाम क्या है, इंडिया रैंकिंग भी है दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत करना, देखो यहां पर हम बात करें नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क और यहां पर हमने क्या बात की है दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो ये IIRF है और ये क्या है आपका NIRF है, ठीक है, क्लियर एवरीवन। तो देखो जी, है ना, कौन जारी करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जारी करता है, ठीक है। कब से जारी कर रहा है दोस्तों, 2015 से जारी कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर 2018 से दोस्तों सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनको इसमें पार्टिसिपेट करना है, वो कंपलसरी कर दिया था, तो ये थोड़ा सा हमें याद रख लेना। अब 5 पैरामीटर कौन कौन से हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये 5 पैरामीटर है जिनके आधार पर ये रैंकिंग निकलती है। तो एक तो देखो TLR है, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, एक रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, एक ग्रेजुएशन आउटकम्स, एक आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, एक पीयर परसेप्शन, ये आपके क्या है 5 पैरामीटर्स है। अब टॉप रैंकिंग्स में कौन कौन से याद रखना है, एक तो देखो ओवरऑल यूनिवर्सिटी कॉलेज में, एक आपका जो बेसिकली रिसर्च वाला जो है उसमें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि रिसर्च वाले से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन।
तो फटाफट से देखते हैं, अगर मैं अवर रोल की बात करूं तो आपका आईआईटी मद्रास टॉप पे है। अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी कैटेगरी की तो आईआईएससी बेंगलुरु है, वो आपका टॉप पे है। अगर मैं बात करूं कॉलेज कैटेगरी की तो मिरांडा हाउस है, वो आपका टॉप इंस्टीट्यूट है। अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग की दोस्तों तो आपका आईआईटी मद्रास है जो टॉप पे है। और रिसर्च कैटेगरी में मैं बात करूं तो आपका आईआईएससी बेंगलोर है। बाकी मैंने इस पीपीटीज में इनको इंक्लूड कर दिया है। आप सब लोगों को ये पीपीटी कहाँ पे मिलेगी? ये पीपीटी मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है? आप टेलीग्राम चैनल कौन सा है दोस्तों? नेट GRF विद शिव, ये अपना टेलीग्राम चैनल है। इस पे जाकर आप इस पीडीएफ को क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं आप सब, ठीक है जी? बाकी मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद है, फार्मेसी है, ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद है ना। फिर आपका मेडिकल है एम्स न्यू दिल्ली, फिर आपका डेंटल है श्वेता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज। लॉ में कौन सा है? नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। आर्किटेक्चर में कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनोवेशन में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। ये आपके टॉप टॉप NIRF रैंकिंग के संस्थान है। तो NIRF रैंकिंग का एक रिसेंटली आपकी रैंकिंग आई है QS वर्ल्ड रैंकिंग, तो इसको भी एक बार हम देख लेते हैं फटाफट से। तो इसमें आपका टॉप इंस्टीट्यूट कौन सा है? इसमें भी टॉप इंस्टीट्यूट है आपका दोस्तों JNU भारत की तरफ से, ठीक है? तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों आपके अदर इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं? अदर इंस्टीट्यूट है जैसे IIT बॉम्बे है दोस्तों, है ना, उसके बाद में फिर आपका IIT मद्रास है, ठीक है, फिर आपका इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है, धनबाद है, फिर आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये है। तो ये आपके टॉप इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर अगर सब्जेक्ट वाइज मैं बात करूँ तो IIT बॉम्बे केमिस्ट्री में टॉप पे है, ठीक है? यहाँ पर हम बात करें 95 रैंक है इसकी 2024 में। IIT दिल्ली है दोस्तों, ये कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस बार इसकी 63 रैंक है। और IIM अहमदाबाद है, बिजनेस स्टडीज में है, इस बार इसकी 22वीं रैंक है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु है दोस्तों, इसकी फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी में 134वीं रैंक है ना। एम्स न्यू दिल्ली की इस बार 127वीं रैंक है आपकी। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की इस बार 68 रैंक है सोशोलॉजी में। और वैसे हम बात करें तो यहाँ पर डेवलपमेंटल स्टडीज में मतलब अवर रोल देखें तो इसकी 20th है, और डेवलपमेंट स्टडीज में इसकी 11th रैंक है, और सोशियोलॉजी में इसकी 91 सॉरी 61 8, तो 2023 में तो 91 रैंक है। तो ये रैंकिंग है, ये आपको याद रखनी है QS वर्ल्ड रैंकिंग। अच्छा, QS वर्ल्ड रैंकिंग जारी कौन करता है दोस्तों? तो क्विक क्वेरली साइमंड्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये भी, ये इस रैंकिंग को जारी करती है, ठीक है जी? तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना। तो इंडिया की यूनिवर्सिटीज में हाइएस्ट कौन है? JNU है दोस्तों। और सेकंड पोजीशन किसको मिली है? IIM अहमदाबाद को मिली है, ग्लोबली अगर हम बात करें गाइस, है ना। तो ये चीज हमें याद रख लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसी चीज पूछी जा सकते हैं, ठीक है जी? तो QS वर्ल्ड रैंकिंग क्विक रैली साइमंड के द्वारा ये जारी की जाती है, ठीक है? तो बाकी आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसके डिटेल और मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो PPT से आप इसको पढ़ सकते हैं। सो गाइज, ये आपका रैंकिंग वाला कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने रिवाइज की है, जून री एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार थोड़ा सा इन सबको आप सब लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है? यहां से सवाल आपके बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हम ऑफलाइन भी क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं पेपर वन का, तो आप सब लोग अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे जयपुर सेंटर पर आकर आप ऑफलाइन बैचेस हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए भी आपका फतेह बैच है जो चल रहा है आपका 50 डेज का क्रैश कोर्स, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस हैं जो आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है? रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच। हिस्ट्री के लिए भी आपका क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया है, हिस्ट्री क्रैश कोर्स टॉप 100 टॉपिक्स, जिसकी क्लासेस आज से आपकी शुरू है, तो आप ऐप पे जाके इसमें एनरोल कर सकते हैं। ये आपका 30 डेज का क्रैश कोर्स है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे। ऑफर का मैंने बता ही दिया, आज लास्ट डे है, सूरज 2024 कोड लगाएंगे तो आपको सभी कोर्सेज पर 20% ऑफ है जो मिल जाएगा। और ये सब आपको कहाँ से मिलेगा? अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर। ये हमारी सपोर्ट टीम के नंबर है, इनसे आप बात कर सकते हैं जो आपकी पूरी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।